तो यहाँ बस स्टैंड के अंदर आपको चाय, नाश्ता, कचौड़ी और भंडारे की सुविधा काफी ज्यादा अच्छे आप देख ही सकते हो। यात्री देव बाबा बोर्ड लिखा हुआ है। मैं इधर से जा रहा हूँ और अभी मैं अयोध्या के अंदर घुस ही रहा हूँ। ये है लता मंगेशकर चौक, जो मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी काफी ज्यादा भीड़ है और काफी ज्यादा भगवा लहरा रहा है यहाँ पे। लगभग 3-4 ओवर ब्रिज चढ़ने पड़ेंगे यहाँ से। आप सीधा कोई बात नहीं, घूम लेंगे। अब तो अयोध्या में ही आ गए, नोएडा जा रहे हैं। अब तो अयोध्या में आ गए, अब तो घूम लेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आप सभी को जय श्री राम। सुबह हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और ये नई शुरुआत है नई जर्नी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि मैं रात थोड़ा लेट हो गया था, तो रात में जैसे अंधेरा होता है ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ और न करता हूँ। फिर रुकने की लगी पड़ जाते कि कहीं स्थान मिल जाए ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो रात में इस मंदिर पर रुका था, जो कि चंडी देवी का मंदिर है। और फिलहाल मैं अंदर जाके दिखा दूंगा। तो मैं अभी आपको बता दूं कि नोएडा से अयोध्या तक साइकिल यात्रा मेरी अभी चल रही है और मैं अभी अयोध्या के नज़दीक ही हूँ। यहाँ से अयोध्या तकरीबन 50 किलोमीटर है। और मैं आपको नोएडा से जब मैं निकला था 9 तारीख को, और आज तारीख हो गई 20, तो मुझे हो गए भाई साहब पूरे 12 दिन आज। और अभी यहाँ का जो लोकेशन है, मैं आपको अभी बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं अभी सुबह 7 बजे जगा था, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ था और अपना बिस्तर पैक किया, अब साइकिल भी तैयार कर दी मैंने, रेडी हो गई धनो। बाकी निकलते हैं यहाँ से और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर अपना अयोध्या में पहुँच जाएंगे। तो बोलो जय श्री राम। तो एक बार मैं बैक कैमरा करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये चंडी देवी का मंदिर है, तो बैक कैमरा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस जगह में ठहरा था, चलो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। इस जगह में ठहरा था रात और ये यहाँ की लोकेशन है भाई साहब। मैं भी यहाँ हाथ मुँह धो रहा था। बाकी ये चंडी देवी का मंदिर है यहाँ पे। बाकी धनो वहाँ खड़ी है, ठीक है। मैं वहाँ सोया था अंदर, कैंपिंग टेंट लगा लिया था मैंने ताकि हवा ना आए। और ये मेन रोड है, मतलब मेन रोड पर मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और ये चंडी देवी का मंदिर है धाम। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई थी मुझे यहाँ रात रुकने में, आराम से सो गया था मैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी जगह है यार, मंदिरों में ठहरने का मज़ा ही कुछ अलग है, आनंद ही कुछ अलग है। तो जय हो महाराज, जय हो। ये चंडी देवी कालिका जी, ये कालिका जी मंदिर है, जय हो माता रानी, ठीक है। तो यहाँ की यही लोकेशन है, कुछ ऐसी देवस्थान चंडी धाम मंदिर, ठीक है। तो निकलते हैं, अपने होते हैं रेडी यहाँ पे, और रेडी तो हो चुके हैं, बस निकलते हैं, बाबा जी से आज्ञा लेते हैं बस। और यहाँ एक बात बोलूँ, कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक है, कैमरे। तो बाकी अभी चार्जर निकाल लेता हूँ मैं, और चार्जर निकाल के चलते हैं अपना। रात खाना पीना यहीं खाया था मैंने, बाबा जी ने अपने हाथों से बनाया था इसी हवन कुंड पर, ठीक है। तो जय श्री राम, जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का मौसम तो यार साफ है, फिर भी ठंड नहीं है इतनी ना, कोहरा है। और ये धनो रेडी हो चुके हैं, बाकी मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और अभी चलते हैं सीधे। पदयात्रा वाले भी काफ़ी लोग मिले थे मुझे रास्ते में, और साइकिल से भी जो यात्रा कर रहे हैं वो काफ़ी लोग मिले थे। सारे लोग आगे चले गए, निकल गए और कुछ लोग पीछे रह गए। तो हम भी निकलते हैं और शुरुआत करते हैं जर्नी की। बोलो जय श्री राम। तो गाय वहाँ से निकले हुए भी मेरे को तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। 8 बजे निकला था और 8:30 का टाइम हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है कि जब मैं सुबह को वीडियो अपलोड करता हूँ तो नेटवर्क इशू होता है ना, तो वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो पाती है। 8 बजे का टाइम है सुबह, वीडियो 8 बजे आती है, लेकिन आज 8:30 बजे आई होगी, आपको देखने को मिली होगी। तो यही नेटवर्क इशू होता है, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं आते। तो फिलहाल यहाँ से जो अयोध्या है वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि मैं शाम तक कवर कर लूँगा। यहाँ की लोकेशन देख रहे हो ना, कितनी काफ़ी प्यारी अच्छी लग रही है यार मेरे को। जब से मतलब ऐसी जगह देख रहा हूँ ना मैं, जब से बाराबंकी से निकला हूँ और ऐसी जगह देख रहा हूँ, तो ऐसा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ, भगवान श्री राम इस रास्ते से होके गए होंगे या फिर उस रास्ते से होके गए होंगे, यार मेरे को लग रहा है, ठीक है। और फिलहाल तो इधर होके नहीं गए, चित्रकूट गए थे शायद। तो मैं यहाँ
दर्शन करने के बाद अयोध्या जी राम मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं चित्रकूट जाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैं पहले बता देता हूं, 25 तारीख तक मैं रुकूंगा अयोध्या में और 25 तारीख के बाद मैं चित्रकूट निकल जाऊंगा। भाई अभी मैं रुका हूं थोड़ी देर के लिए यहाँ, और दो भाई मुझे मिले थे अभी, जो कि ये दिल्ली से अयोध्या के लिए निकले हैं, और वो शायद हरिद्वार वाले भैया हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था, ये वाले भैया। और मैं इसी रास्ते से भी होते हुए इधर निकल के जाऊंगा, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ इतने सारे बोर्ड यार लगे हुए हैं ना रोड के किनारे किनारे, देख लो, और ये तीनों साइकिल, तो ये वाले भैया तो शायद अब मेरे साथ ही रहेंगे ये वाले, ठीक है। और वो शायद हरिद्वार से ना कहाँ से बता रहे थे वो भैया, और ये मेरी साइकिल धन, ठीक है। तो निकलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा और पीछे भी भाई आ रहे हैं साइकिल से, तो मतलब सब अयोध्या जाके मिल जाएंगे। तो निकलते हैं, ये वाले भैया है ना रात मिले थे मुझे, लेकिन ये पीछे रह गए थे, मैं आगे आ गया था। और बाकी अभी भैया यहाँ मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा है यहाँ पे अभी सामने, ठीक है। तो 10-15 मिनट लेंगे ये भी, फिर उसके बाद निकलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहुँच गया हूँ अयोध्या के सटीक समझो, क्योंकि यहाँ से अयोध्या 35 किलोमीटर रह जाती है। और मैं सुबह 8 बजे निकला था, और अभी टाइम हो रहा है 1:30, और ये मेरी धन्नो और साइकिल एक भाई और मिल गए थे मुझे, जो कि बल्लभगढ़ से हैं, बदरपुर बॉर्डर शायद वहाँ से हैं, तो दोनों अब साथ में ही हैं। बाकी सीधा आ रहा था भाई साहब मैं इस रोड से, और इस रोड से निकलता हुआ जा रहा हूँ। बाकी अभी भाई भी वीडियो फ़ोटो शूट कर रहे हैं वहाँ। मैं ठहरा था कि यहाँ अयोध्या यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, ये लगा हुआ है, तो 35 किलोमीटर है। बट एक बात और है कि मैं यहाँ गन्ने खाने के लिए रुका था, गन्ने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ गन्ने खाने के लिए रुका था अभी, तो देखते अभी गन्ने खाने चलते हैं खेत में, और मैं तकरीबन शाम तक पहुँच ही जाऊँगा अयोध्या आज 6-7 बजे तक, 35 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, और अभी 1:30 बजा है, ठीक है, तो पहुँच ही जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर ना अभी देखो ये गाड़ियाँ हैं जो मेन रोड पर ये श्री राम के पोस्टर लगाते हुए, और मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, तकरीबन अभी 10 मिनट हुई है, वहाँ गन्ना खाया और उसके बाद मैं निकल लिया, तो ऑलमोस्ट शाम को 6-7 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा अयोध्या। काफ़ी अच्छा लग रहा है राइड करते समय, और काफ़ी लोग भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी जर्नी जा रही है मेरी, और अयोध्या की जर्नी 25 तारीख को ख़त्म होगी, साइकिल यात्रा 25 तारीख को ख़त्म होगी नोएडा से अयोध्या तक की। पहुँचने को अयोध्या तो आज ही पहुँच जाऊँगा, लेकिन 5 दिन तक ठहरूँगा, तो 5 दिन बाद ही ख़त्म होगी। जय श्री राम। सो गाइस अभी अयोध्या यहाँ से 20 किलोमीटर है, 22 दिखा रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर ही है, और 20 किलोमीटर से यहाँ मतलब कि मैं वहाँ से निकला था ना बाराबंकी से ही रोड पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लग रहे हैं और भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं रोड के किनारे, ठीक है, और रोड की मरम्मत हो रही है काफ़ी अच्छी तरह से। ये सफ़ेद वाली पट्टी जो देख रहे हो ना, ये अभी ताज़ा बनाई है, और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, 22 जनवरी तक काफ़ी अच्छा काम हो भी जाएगा। और 20 किलोमीटर अयोध्या रह चुकी है अभी यहाँ से, बाकी शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं, और आपको अयोध्या जाके ही अपडेट दूँगा जो भी है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाकी अच्छा काम हो रहा है। मुझे आज 12 दिन हो गए हैं नोएडा से अयोध्या तक का डिस्टेंस कवर करने में, और शाम को डिस्टेंस जो है बचा कुचा वो भी कवर हो जाएगा शाम तक। फिलहाल मुझे जर्नी काफ़ी अच्छी लग रही है, अयोध्या आया हूँ मैं प्रभु श्री राम के पास, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, कोई थकावट नहीं है शरीर में, साइकिल से आया हूँ मैं, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और थोड़ी सी दूर और है, 20 किलोमीटर बचा है, वो भी खींच दूंगा मैं शाम तक, तो कोई ज़्यादा नहीं है 20 किलोमीटर, अब मैं बड़े आराम से साइकिल चला रहा हूँ। और एक भाई अभी ने जो साथ में है वो पीछे भी वीडियो शूट करने गए। एक बात और बता दूँ आपको कि मुझे कहीं तक ऐसा लग रहा है कि अभी पीछे पार्किंग देखी थी मैंने वहाँ, तो 20 किलोमीटर तक मीटर से पहले ही यहाँ गाड़ियाँ रोक ली जाएंगी कल या परसों से, ठीक है, और अभी मुझे लग रहा है, कन्फर्म पता नहीं है। गाय जा रही प्रॉब्लम हो गई है, राजस्थान गया था जब भी ये प्रॉब्लम थी, और देखो ये अभी प्रॉब्लम आ गई है, ये मेरा पेडल टूट गया, तो मैं इसको ना पीछे दुकान है तो पीछे चेंज करवा देता हूँ वहाँ पे।
चलो ये अच्छी बात है कि दुकान पास में ही है। और अभी जस्ट पेडल मारा ही था मैंने और पेडल टूट गया, तो मैं दोनों चेंज करवा देता हूँ। अभी ये दिक्कत राजस्थान में भी आई थी मेरे, कि जैसे ही खाटू श्याम पहुँचने वाला था 10 किलोमीटर के दायरे में ही था और वहाँ ये दिक्कत आ गई थी, और यहाँ पर भी यही दिक्कत आ गई। ऑलमोस्ट जहाँ से अयोध्या अभी 10 किलोमीटर ही रह गई हैं, तो मैं देखता हूँ पीछे अभी दुकान देखता हूँ अभी। तो अभी यार मैं दुकान पे साइकिल को लेके आ गया धनों को, और मैं ना एक टूटा है भी लेकिन दूसरा भी ऐसे कर रहा है, तो मैं ना ये भी चेंज करवा देता हूँ, दोनों को एक साथ चेंज करवा देता हूँ। अंकल जी बता रहे हैं 120 रुपये का जोड़ा, लेकिन अंकल जी मान गए, मैंने 100 रुपये कह दिए, 50 रुपये का तो डलता ही है यार। तो अंकल जी कह रहे चलो ठीक है, बाकी गए अंकल जी अभी लेने, पहले मेरा ही काम कर रहे हैं, उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। यार दिक्कत ये राजस्थान में भी आई थी और मतलब कि यहाँ भी आ गई, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही दिक्कत आ रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो मतलब अयोध्या पहुँच ही गया हूँ, इसके बाद तो इसको चेंज ही कर दूँगा मैं, ठीक है। तो अंकल जी अभी ला रहे हैं और डलवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ना खुला थोड़ा पड़ेगा यार, नीचे टूट गए अंकल जी प्यार को भैया, तो हाँ हाँ बाहर वाला पकड़िए पकड़िए, चलो आप पे वो पैर पैर भैया मेरे धन्नो के चोट मार रहे हो तुम। अरे रुका करो, अरे मेरे धन्नो है, बहुत प्यार करूँ मैं आपसे। तो क्या करेगा, धोखा दे दिन बीते में। हाँ धोखा, अब धोखा क्या दे बताओ, 1100-1200 किलोमीटर चलेगी। हाँ हाँ सही है भैया, 1000-1200 किलोमीटर कम होता है क्या। हाँ तो मेहनत तो भाई बहुत की। तो गाइस अभी मैं अयोध्या के अंदर एंट्री कर लिया मैंने, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा जय श्री राम। और यहाँ की जो सजावट है ना भाई, अब स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो कि फूलों की माला डली हुई है और आगे लाइट ही लाइट आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से अयोध्या प्रारंभ होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस अयोध्या के अंदर मतलब अभी मैं साइकिल राइड कर रहा हूँ, तो इसलिए सांस फूल रही है, अभी फ्लाई ओवर के ऊपर हूँ। अंदर से आपको सीधा पड़ता है। अच्छा इधर से, और ये पास ही पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, आपको 2-3 ओवर लगभग 3-4 ओवर भी चढ़ने पड़ेंगे यहाँ से, आप सीधा रिकार्ड। कोई बात नहीं, घूम लेंगे अब तो अयोध्या में ही आ गए, नोएडा से आ रहे हैं। नोएडा से आ रहे हैं, अब तो अयोध्या में आ गए, अब तो घूम लेंगे। 10-20 किलोमीटर कोई वो नहीं है। चलो जय श्री राम। तो गाइस निकलते हैं, भैया जी कह रहे कि आप दूसरे रास्ते से आते तो आपको शॉर्ट पड़ता, लेकिन हमें शॉर्ट जाने से फायदा क्या और मतलब क्या, हमें तो घूमना है अयोध्या पूरा। 5 दिन मैं ठहरूंगा यहाँ। और चैनल को ना फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5 दिन लगातार शॉर्ट वीडियो भी आएंगे और ब्लॉग्स भी आएंगे श्री राम प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या। तो हमारी जो साइकिल यात्रा है वो यहाँ संपन्न हो जाएगी 25 तारीख को। तो चलो आगे देखते हैं और आगे की जानकारी आपको देंगे, लोकेशन दिखाएंगे। जय श्री राम। तो गाइस यहाँ से एंट्री हो चुके मेरी अयोध्या मंदिर के लिए। तो यहाँ से ये प्रवेश द्वार है, काफ़ी मतलब कई द्वार इसके बना रखे हैं, चारों तरफ से आप घूम सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इधर से जा रहा हूँ और अभी मैं अयोध्या के अंदर घुस ही रहा हूँ। ओहो देख रहे हो, जाम 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 ट्रैफिक। तो गाइस ये है इसकी पूरी सजावट, राम जन्मभूमि की मैं अंदर मैं आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मतलब कि 12 दिन की जो यात्रा थी आज मेरी संपूर्ण हुई यहाँ के, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हो क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम यार, जय श्री राम सभी भाइयों को, सभी भक्तों को जय श्री राम। बाकी काफ़ी अच्छी लोकेशन और काफ़ी अच्छा दृश्य है यार, और अभी जितनी आगे जाऊँगा शायद मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिले। तो ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हो
क्या सुंदर नज़ारा भाई, पावन धरती श्री रामचंद्र जन्मभूमि, धन धन भाग यार, मेरे किस्मत चमक गया यहाँ आके। सही बता रहा हूँ, मेरे कितनी खुशी हो रही ना, ये मैं ही जानता हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ प्रभु राम मुझे बुलाएंगे, लेकिन मुझे बुला लिया। अब ब्लॉग ज़्यादा काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा पार्ट टू में भी आ सकता है। तो गाइस ये है लता मंगेशकर चौक, जो मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा भगवा लहरा रहा है यहाँ पे। बाकी ये यहाँ मैं अभी पीछे से आया था, वहाँ से इधर से होते हुए और ये आया मैं, और यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट साइड को, जो कि मंदिर के लिए जाता है रास्ता। बाकी यही यहाँ की लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बाकी मीडिया वाले भी देखो ऊपर, अगर आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे मीडिया वाले, देखो देखो ये मीडिया वाले हैं, तो देखो कहाँ चढ़ गए। तो गाइस आज मैं अयोध्या के अंदर कैंपिंग कर रहा हूँ। कैंपिंग इसलिए कर रहा हूँ, देखो ये कैंप मेरा है और ये दूसरे भाई का है, बट ये रैन बसेरा है, तो इसमें ना अभी हाउस फुल चल रहा है, जगह नहीं मिली, ठीक है। तो बाकी वो धनु मेरे यहाँ खड़े, और ये है कि और कैंपिंग टेंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, जो एक भाई है ना उनका कैंपिंग टेंट लग रहा है ये वाला, और ये मेरा मैंने इधर लगा दिया। और हवा देख रहे हो, और काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का। और यही लोकेशन है भाई, अभी मतलब फ्लाईओवर के नीचे है ये, मैंने कैंपिंग टेंट लगाया अयोध्या के अंदर आज। बाकी आपको वो गेट दिखाई दे रहा होगा वहाँ से, यहाँ से उस रास्ते से अंदर मंदिर के लिए जाना है उधर। तो चलो आज की जर्नी यहीं ख़त्म होती है, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं सुबह। तो आप सभी को जय श्री राम और शुभ रात्रि।